गुड आफ्टरनून टू एवरी वन कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे मैं भी अच्छी हूं <laughs> उस दिन ज्यादा लिखवा दिया था ना आपसे फिर आप लोगों ने मन मन में बोला होगा इनको थोड़ा रेस्ट ना? दो हा पता नहीं लिखते हो ना और आंसर राइटिंग है, राइटिंग की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा रहेगी आपकी उतना अच्छा, अच्छा होगा आपके लिए ठीक है चलिए तो आज का हमारा टॉपिक है क्या पढ़ रहे थे हम पहले ये बताइए लास्ट टॉपिक क्या था हाँ जी ठीक है देखो आज इस ये जो टॉपिक है जिसका नाम है पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में राजनीतिक वर्चस्व कैसे स्थापित हुआ वो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और आज मतलब इसी सीरीज का जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक वो आज डिस्कस करने वाले हैं हम आंग्ल मराठा युद्ध ठीक है जैसे बंगाल विजय की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस थी है ना अलग महत्व था बंगाल विजय का उसी तरीके से मराठाओं पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्चस्व स्थापित हुआ है ना कहते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध या मराठाओं के ऊपर विजय किस कोई क्षेत्रीय विजय नहीं थी मराठाओं पर जो विजय प्राप्त की ब्रिटिशर्स ने वो कोई क्षेत्रीय विजय नहीं थी ये समझ लीजिए कि भारत की चाबी ब्रिटिशर्स के पास चली गई अब आप सोच के देखिए कि किसी एक क्षेत्रीय शक्ति के ऊपर ब्रिटिश विजय को क्या कहा जा रहा है कि भारत की जो राजनीतिक शक्ति थी ना जो जो एक्चुअल में जो पूरे भारत का नाम यहां पे लिया जा रहा है कि उसकी जो चाबी है भारत की चाबी किसके पास चली गई ब्रिटिशर्स के पास चली गई, पास चली गई। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जल्दी से सेटल हो जाइए बैग तो यही थे आप बाहर थे अच्छा, ठीक है। तो देखो टॉपिक कोई भी हो सब्जेक्ट कोई भी हो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस इस टॉपिक से से सब्जेक्ट किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है ठीक है और ये जो पोर्शन अभी चल रहा है ये आपके मेंस का भी पार्ट है और आपके पीटी का भी पार्ट है मेंस में यूपीएससी यहां से किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी ये नहीं पूछ, पूछता कि आप ये बताइए कि युद्ध कैसे कैसे हुआ किन किन स्थानों पर हुआ नहीं युद्ध की घटनाएं नहीं पूछता वो पूछेगा कि युद्ध तो हुआ उसका प्रभाव क्या हुआ जब भी कोई घटना होती है ना वो घटना अपने आप में अहमियत रखती है लेकिन वो घटना कितनी ज्यादा अहमियत रखती है ये किस पर निर्भर करता है उस घटना के होने के बाद उसके प्रभाव पर निर्भर करता है कि वो घटना कितनी छोटी आंकी जानी चाहिए या कितनी बड़ी तो जैसे जब हमने पॉलिटिकल सुप्रीमेसी में राजनीतिक वर्चस्व में जब हमने बंगाल को पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि प्लासी का युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध हुआ प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक वर्चस्व की नींव रखी और बक्सर के युद्ध ने स्थापना की है ना कि धीरे धीरे अब उनका पॉलिटिकल जो डोमिनेंस था जो प्रभुत्व था वो धीरे धीरे स्थापित होना शुरू हो गया था है ना? और आज जो हमारा टॉपिक है मराठा आंग्ल मराठा आंग्ल सिख मेनली मराठास की बात कर रही हूँ इनको क्या कहा जाता है कि वास्तविक रूप में अब पूरे भारत के राजनीतिक शासक अब कौन बन गए ब्रिटिशर्स बन गए तो यूपीएससी आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि मराठाओं का क्या पोटेंशियल था क्या यह संभावना थी कि वो क्या वो इतने योग्यता रखते थे कि वो एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर सकते थे और अगर वो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने में विफल रह गए तो ये अपने आप में कारण बन गया ब्रिटिशर्स के रूल करने का है ना दूसरा ये कि मराठाओं पर जो उसके विज़, जो विजय हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस, इस, इस विजय को इतना अधिक महत्व तो क्यों दिया जाए कि उसे ये कह दिया जाए कि भारत की चाबी ब्रिटिशर्स के हाथ में पहुंच गई मतलब अब इसके बाद कोई और क्षेत्रीय शक्ति इतनी मजबूत नहीं रही कि जो ब्रिटिशर्स को रोक सके क्या यह समझा जाए हा? क्या इसे ये समझा जाए कि मराठाओं पर नियंत्रण करने के बाद अब कोई ऐसी क्षेत्रीय शक्ति नहीं बची जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रोक सकती थी सच है ये इतनी बड़ी कोई शक्ति थी नहीं क्यों क्योंकि मराठाओं पर विजय से पहले ही कहां, कहां विजय प्राप्त हो चुकी थी उनको बंगाल में मैसूर में भी लगातार युद्ध चल रहे थे है ना हैदराबाद पहले ही निजाम की वजह से उनके पक्ष में हो चुका था है ना? निजाम के ऊपर कहीं ना कहीं डोमिनेंस उनका क्रिएट हो चुका था ठीक है तो कौन सी शक्ति बच गई थी क्षेत्रीय शक्ति जो बड़ी शक्ति हो कौन सी मराठा बच गए थे शक्ति के प्रतीक माने जाते थे मराठा जैसे मुगल बचे थे उनकी शक्ति थी और भले शक्ति का जो दायरा था ना जो क्षेत्र था वो कम हो गया था लेकिन प्रतीक रूप में क्या माना जाता था वो हिंदुस्तान के बादशाह कहे जाते थे अठारह तक यही माना गया था उसी तरीके से मराठाओं को भी एक उभरता हुआ एक अखिल साम्राज्य हम कह सकते हैं अखिल भारतीय साम्राज्य कह सकते हैं वो उनके इंटरनल रीजन थे आंतरिक कारण थे कि वो उस लेवल पे पहुंच नहीं पाए अखिल भारतीय स्तर का साम्राज्य स्थापित वो नहीं कर सके ये उनके आंतरिक कारण थे तो पोटेंशियल था कर सकते थे वो नहीं कर पाए तो किसी और ने उस सिचुएशन का फायदा उठाया ठीक है तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है आंग्ल मराठा युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से इंडियन हिस्ट्री को ये समझ लीजिए आंग्ल मराठा युद्ध के बाद से अब ब्रिटिशर्स पूरे तरीके से इंडिया में पॉलिटिकल स्टेब्लिश हो जाएंगे ठीक है तो यहां पर जो युद्ध हुए उन युद्ध की घटनाएं जितनी इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा कहीं ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है उस युद्ध का प्रभाव उसका आफ्टर इफेक्ट इंपॉर्टेंट ठीक है, है? युद्ध होने के बाद क्या प्रभाव पड़े क्या परिणाम निकले उसके ठीक है तो आप उसी माइंडसेट से पढ़िएगा और देखो हिस्ट्री को जनरली ये समझा जाता है कि एक फैक्चुअल सब्जेक्ट है आपको बहुत सारी डेट्स बहुत सारे नाम बहुत सारे इवेंट्स ये सब आपको याद करने पड़ते हैं रटने पड़ते हैं नहीं ऐसा नहीं है यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे तरीके से सिर्फ फैक्ट रटने से कुछ नहीं होने वाला है जितना जरूरी हो उतना फैक्ट भी जरूरी है उतना पढ़ो लेकिन उसके साथ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है तो जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो सबसे पहला पॉइंट मैप करके पढोगे जब जब हम जगहों के नाम लेंगे ना तो आपके माइंड में मैप चलना चाहिए आपके विजुअलाइजेशन में वो मैप चलना चाहिए कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जब हम सूरत अहमदाबाद पूना होलकर है ना इंदौर के होलकर ग्वालियर गौल, के सिंधिया जब इनकी बात कर रहे हो तो जैसे नाम आए वैसे ही आप उस जगह पर पहुंच जाए तब जाके आपको समझ में आएगा कि जब मराठा क्षेत्र को पूरा जीता तो कैसे मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र जब ये क्षेत्र उनके कंट्रोल में आ गए तो हमने क्यों कह दिया कि अब भारत गया इनके हाथ में क्योंकि जरा आप एक बार मैप पे विजिट करिए आप घूम के आइए जरा बंगाल जाइए बंगाल के प्लासी बक्सर के युद्ध के बाद आप मैसूर की तरफ आइए कर्नाटक जो कर्नाटिक वाला क्षेत्र है यहाँ आइए फिर मैसूर की तरफ आइए निजाम आइए ठीक है और फिर आप देखिए कि जो पूरा ईस्टर्न जो इंडिया है चाहे वो नॉर्थ की तरफ हो या साउथ की तरफ हो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं उनके नियंत्रण में आ रहा था ना बचा क्या था वेस्टर्न पार्ट बचा था ना और अगर वेस्ट में भी उनके इतने स्ट्रोंग अगर सेटलमेंट्स बन जाती हैं अगर राजनीतिक शक्ति जो वेस्ट में है अगर वो भी उनके कंट्रोल में आ जाए पूरी की पूरी तो फिर भारत में क्या बचा बताइए कौन सा क्षेत्र बचता है फिर? फिर नॉर्थ 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 बचा? नौर्थ वेस्ट बचा? वेस्ट वेस्ट में कौन? सिख? वो भी गए अगला नंबर किसका था फिर सिख फिर सिख भी गए अब उसके बाद जाट तो वो थे ही छोटे से एरिया में पूरा राजस्थान में नहीं था उनके अंडर में तो है ना? थोड़ा बहुत राजस्थान वाला एरिया था भरतपुर के आसपास वाला रीजन ठीक है तो उसके बाद कोई ऐसी शक्ति बची नहीं और इसीलिए इसके बाद इन्होंने क्या किया इसके बाद उन्होंने भारत की सीमाओं से बाहर निकलना शुरू किया तब गए नेपाल की तरफ भूटान की तरफ म्यांमार की तरफ बारहमा जिसे कहते ठीक है तब अफगानिस्तान तिब्बत तब ये वाला रीजन अक्वायर करने की तरफ आगे निकले ये लोग ठीक है तो विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट मैप कॉन्टीन्यूसली आपके ब्रेन में चलना चाहिए और स्थिति को समझना है आपको लोकेशन की इंपॉर्टेंस को समझना है आपको देखो कभी कभी आपको ये लग सकता है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को क्यों ध्यान दे रहे हैं लेकिन एक, एक बात बिल्कुल बिठा लो अपने दिमाग में बिना जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस के बिना भौगोलिक महत्व के इतिहास हो ही नहीं सकता इतिहास की रचना ही उस तरीके से हुई जैसे जैसे भौगोलिक महत्व था अगर एक भौगोलिक महत्व नहीं होता तो यूरोप यूरोपियंस ब्रिटिशर्स ये अमेरिका में जाके नहीं बसते। अगर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती तो ये लोग एशिया की तरफ ट्रेड करने नहीं आते इंडिया में ट्रेड करने के लिए नहीं बैठते भारत को अपनिवेश नहीं बनाया जाता और भारतीय इतिहास को ही देख लो अगर भौगोलिक महत्व नहीं होता तो मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली नहीं हो पाता तो क्यों इतना शक्तिशाली हुआ क्योंकि भौगोलिक महत्व था उसके पास जो भौगोलिक जो संसाधन थे जो जो प्राकृतिक संसाधन उसके पास मौजूद थे वो उस समय जो और जो महाजनपद थे मगध के अलावा उनके पास नहीं थे उसकी लोकेशन ने उसको शक्तिशाली बनाया मगध की लोकेशन ने मगध को बाकी महाजनपदों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया था उसके पास जो थे वो बाकियों की तुलना में ज्यादा थे आपने सुना होगा कि मगध की जो आर्मी थी उसके बारे में कहा गया जब सिकंद जब एलेक्जेंडर भी आए जब उन्होंने अटैक किया तो उनके सोल्जर्स ने क्या कहा कि हम सिंधु नदी पार करके आगे नहीं जाएंगे क्यों क्योंकि आगे सुना है कि मगध सीमाएं पड़ती हैं आगे और वहां की जो सेना है बहुत विशाल है उनकी सेना में हाथी है प्रशिक्षित हाथी है उनकी सेना में तो वो उसकी शक्ति का प्रतीक बना उसकी जो सेना थी वो शक्ति का प्रतीक बनी और हाथी उन्हीं की सेना में थे और क्यों थे क्योंकि जिस क्षेत्र में वो रहते थे बिहार झारखंड बंगाल वाला जो क्षेत्र यहाँ के जंगलों में हाथी पाए जाते थे उनको प्रशिक्षण दे के उन्होंने सेना में शामिल किया बंगाल बिहार झारखंड ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आयरन था लोहा था उसको उपयोग करके उन्होंने हथियार बनाए उनकी सेना बाकियों की तुलना में अधिक मजबूत थी तो ये सब कैसे हुआ भौगोलिक महत्व तो बहुत बड़ी बात होती है समझ तो भौगोलिक महत्व था जिसकी वजह से भारत में राज्य बने साम्राज्य बने विश्व इतिहास की दृष्टि से देखोगे तो उपनिवेश बने साम्राज्यवाद की दौड़ शुरू हुई विश्व युद्ध हुए है ना तो आप ज्योग्राफी को बिल्कुल अलग करके नहीं पढ़ सकते जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये देखोगे कि अगर किसी एक जगह के लिए बार बार लड़ाई हुई है जरूर कोई ज्योग्राफिकल फैक्टर होगा यहाँ ठीक है क्यों कृष्णा गोदावरी डेल्टा के लिए क्यों रायचूर दोआब के लिए बार बार युद्ध हुए उस क्षेत्र में बार-बार युद्ध क्यों हुए? कभी सोचा है? सोचिए इस नजर से सोचिए कि विजयनगर एम्पायर था और उस समय विजयनगर के उत्तर की तरफ बहामनी साम्राज्य जब हुआ करता था बामनी सल्तनत हुआ करती थी तो बहामनी और विजयनगर के बीच में अक्सर लड़ाइया क्यों होती थी जब बार बार लड़ाई का कारण ढूंढते हो तो बार बार एक कारण सबसे बड़ा दिखाई देता है रायचूर दो ये देखिए कि विजयनगर साम्राज्य की जो भूमि थी क्या वहां पे पानी की पूर्ति सही थी या वहां पे वाटर क्राइसिस रहते थे वहां पे वाटर क्राइसिस थे विजयनगर वाला जो क्षेत्र था पानी की हमेशा कमी रहती थी अभाव वाला क्षेत्र था वो और तब आप देखोगे कि विजयनगर के राजाओं ने कैसे तालाब वगैरह बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके थोड़ा बहुत और अलग अलग तरीके निकाले कि पानी को संरक्षित किया जाए जो आज हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं ये विजयनगर साम्राज्य में उस समय भी किया करते ये प्राकृतिक संसाधन है ये आवश्यकता के संसाधन है जिनकी कमी की वजह से जिनकी आपूर्ति करने के लिए बड़े बड़े राज्य आपस में लड़े हैं ठीक है तो घूम फिर के मैं वहीं आती हूं कि क्यों बसाइन की संधि क्यों मराठाओं पर ब्रिटिश विजय को ये कह दिया गया कि इसने भारत की चाबी ब्रिटिशर्स को दे दी क्योंकि कहीं ना कहीं भौगोलिक महत्व है यहाँ का क्योंकि ईस्टर्न जो एरिया था पूरा जो पूर्वी क्षेत्र होगा भारत का उसपे लगभग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल स्टैब्लिश हो चुका था उसका नियंत्रण स्थापित हो चुका था दक्षिण भारत पर भी पूरे तरीके से प्रभुत्व बनने लग गया था बचा क्या था वेस्ट अगर तो इतना ये पूरा क्षेत्र अगर उनके नियंत्रण में आ गया तो फिर पूरे इतने बड़े स्तर पर कोई क्षेत्रीय शक्ति नहीं बची थी जो भारत में रोक दे अगर हम सिख या पंजाब स्टेट को भी अगर देखें पंजाब राज्य की इंपॉर्टेंस भी देखें तो पंजाब राज्य बताइए मैप में कहां पे आज वाला पंजाब नहीं देखिए वो मैप वाला पंजाब याद करिए जो हमने पढ़ा था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तो वो तो खुद ही लोकेटेड कहा था भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, में रेस्ट ऑफ इंडिया तो पूरा पूरा का पुरा कंट्रोल में आ नहीं समझ रहे समझ में आया कि पंजाब राज्य तो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में था लेकिन इससे पहले ही जो बंगाल मैसूर हैदराबाद मराठा ये जितने भी बड़ी बड़ी शक्तियां थी इन सबको ही नियंत्रित कर लिया अवध ठीक है मुगलों को भी हरा चुके थे बक्सर के युद्ध में तो उसके बाद पूरे भारत वाले क्षेत्र में और कोई ऐसी शक्ति बची नहीं थी तो आपको उस नजरिए से पढ़ना है यहां से अब इंडियन रूलर्स की पोजीशन अब कैसी हो जाएगी कमजोर पड़ चुकी है एकदम और नियंत्रण आज किसके हाथ में चला जाएगा ब्रिटिश के और इसके बाद आप ब्रिटिश इंडिया का इतिहास पढ़ोगे ब्रिटिश भारतीय इतिहास पढ़ोगे भारत में ब्रिटिशर्स ने फिर अपने हिसाब से जो नीतियां लागू की वो इतिहास पढ़ेंगे फिर हम इसके बाद से समझ रहे हो तो उसके बाद किसका रूल हो जाएगा ब्रिटिशर्स का रूल हो जाएगा आज आज अपना आज अपना रूल है फिर जल्दी ही ब्रिटिशर्स का रूल खत्म करेंगे <laughs> तो हेडिंग लिखिए पहले तो अच्छा समझ में सबको आ रहा है कहीं कोई दिक्कत परेशानी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ऑनलाइन वाले भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूंगी बीच में आपके कमेंट्स देखने की ठीक है और नोट्स सभी बनाते चलिए जी बिल्कुल परेशान हुई मत हुई मैं वहां भी पढ़ाती हूं मैं यहां भी पढ़ाती हूं आप दोनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं तो टॉपिक वही लिखिए पॉलिटिकल सुप्रीमेसी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक वर्चस्व अभी तक हम इस राजनीतिक वर्चस्व में अभी तक हम बंगाल पर विजय पड़ चुके है ना और बंगाल पर विजय के लिए कौन कौन से युद्ध थे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए आज वाले ठीक है इसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन आप सभी बच्चों को टास्क दिया करूंगी मैं ठीक है थोड़ा सा ब्रेन स्टोर्मिंग होना चाहिए आपका कहाँ वही आप ट्रेडिशनल वे में पढ़ते रहोगे किताब पढ़ ली याद करने की कोशिश कर ली थोड़ी सी आप अपने दिमाग को और थोड़ा सा डेवलप करिए और एक्सप्लोर करिए ठीक है और आंसर राइटिंग के भी ज्यादा से ज्यादा सेशन होंगे आपके तो उसको भी ध्यान रखिएगा मन लगा के पढ़ाई करिए एनसीआर बुक्स पढ़ते रहिए अच्छा बंगाल पर विजय के अलावा हमने क्या पढ़ा मैसूर आपको फील होना चाहिए कि आप आई की तैयारी कर रहे यू आर गोइंग टू बी एन आई ऑफिसर ठीक है उस लेवल का माइंड आपको डेवलप करना है ठीक और आज हम पढ़ेंगे क्या मराठा और उसके बाद सिख ठीक है तो हेडिंग बनाइए लिखिए आंग्ल मराठा युद्ध भारतीय इतिहास में जब हम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ते हैं तो दरअसल थोड़ा सा फैक्चुअल पोर्शन अगर देखें तो कितने युद्ध हुए ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच में तीन बार युद्ध हुए आंग्ल मराठा कितने युद्ध हुए तीन युद्ध हुए शुरुआत हुई थी सत्रह से मतलब पहला जो युद्ध हुआ वो कब हुआ सत्रह में प्रथम युद्ध ठीक है या पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से बयासी इसके बाद दूसरा जो युद्ध हुआ या द्वितीय युद्ध ये 1803 से 1805 के बीच हुआ और जो तीसरा युद्ध हुआ वो 1817 से 1819 के बीच हुआ. अब जरा ये जो डेट्स है थोड़ा सा इन पहला युद्ध हुआ वो सत्रह पचहत्तर में हुआ 1775 में हुआ तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 1775 1775 तक तक ब्रिटिशर्स की पोजीशन बताइए मुझे भारत में भारत में ब्रिटिशर्स की क्या स्थिति थी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति बताइए ऑनलाइन वाले भी अपने आंसर कमेंट में लिखेंगे और ऑफलाइन वाले बताइए फटाफट से 1775 में जब पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उससे पहले तक ब्रिटिशर्स भारत में किस स्थिति तक पहुंच चुके थे किस लेवल तक पहुंच चुके थे आर्थिक वर्चस्व की स्थापना हो चुकी थी पक्की बात है पक्की बात है आर्थिक वर्चस्व में उनके सबसे बड़े कंपटीटर कौन थे फ्रांस फ्रेंच कंपनी थी फ्रेंच के साथ कितने युद्ध हुए थे तीन युद्ध हुए थे कौन कौन से पहला कब हुआ रिवीजन आपका अच्छा हो जाएगा बताइए के साथ से से उसके बाद ये, ये किस वजह हुआ था? रीजन यूरोप का रीजन था क्या क्या ऑस्ट्रिया यस ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था वो लड़ाई उपनिवेशों तक आ गई थी ठीक है उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ वेरी गुड एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर वेरी गुड 63 तक मतलब 1763 तक इकोनॉमिक जो सुप्रीमेसी की अगर हम बात करते हैं वो एस्टेब्लिश हो गया था आर्थिक वर्चस्व स्थापित हो गया था और इसके अलावा क्या हुआ था 1775 तक बंगाल में भी ब्रिटिश विजय हो चुकी थी प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर 1764 वो भी ब्रिटिशर्स जीत चुके थे इसके अलावा हाँ हाँ आंग्ल मैसूर युद्ध पहला कब हुआ याद करिए देखो ये चीजों को याद करने का तरीका क्या होता है अगर आपको मैसूर एस्टेब्लिशमेंट की जो टाइमलाइन है वो याद है कि मैसूर की स्थापना हैदर अली ने अपने आप को सुल्तान के रूप में कब स्थापित किया पूर्ण रूप से 1761 के बाद से प्रभाव बनना शुरू हो गया था 65 में पूरे तरीके से क्षेत्र विस्तार करना भी शुरू कर दिया था तो उसके बाद से ही होगा युद्ध हाँ हम्म वेरी गुड और हाँ देख लेते हैं कॉपी में देख लेते हैं वेरी गुड ठीक है उसके बाद कितने युद्ध हुए थे चार हुए थे ना उसके बाद 1780 से बयासी तो इसका मतलब ये कि इस समय तक आते आते पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुका था ठीक है और काफी हद तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मनोबल काफी बढ़ चुका था अब इसी में आप जरा एक बार इंडिया का मैप बनाइए और मैप बनाते टाइम बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं करनी आपको बहुत ध्यान से इंडिया का मैप बना के समझना है ब्रिटिशर्स की जो कंडीशन थी जो सिचुएशन थी जो लेवल वो अचीव कर चुके थे उसको जरा समझिए मैप के थ्रू मैप बनाइए एनालिसिस करना सीख जाओ एग्जाम कहीं नहीं जाएगा आपका क्लियर करोगे ठीक है अच्छा हमने कहा कि जो बंगाल वाला क्षेत्र है इस पर अधिकार हो गया था ये वाला क्षेत्र भी लगभग इनके कंट्रोल में आ चुका था मैसूर भी ठीक है और अब हम किसकी बात कर रहे हैं आज हम अंग मराठा की बात कर रहे हैं है. तो ये पूरा मराठा का रीजन ठीक है, चलो तो 1775 में ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि मराठाओं, मराठा और ब्रिटिश के बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुए तो कुछ ऐसी रही होंगी कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से युद्ध हुए ऐसे तो युद्ध नहीं कर दिया होगा कुछ विशिष्ट कारण रहे होंगे कहते हैं कि ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच में जो युद्ध हुए थे ना वो पूरे तरीके से ब्रिटिशर और मराठाओं की राइवलरी मतलब इन दोनों की दुश्मनी नहीं थी जैसा आपने बंगाल में देखा बंगाल में क्या था सीधे तौर पर बंगाल के नवाब सामने थे और एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों अपने अपने हितों को बचाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे मराठाओं के केस में थोड़ा अलग है मराठाओं केस के में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध में इसलिए शामिल हुई क्योंकि उसे मौका मिल गया मराठा हमने पढ़ा कि मराठाओं के पांच संघ बन चुके थे पांच मराठा संघ थे ठीक है सबसे जो महत्वपूर्ण था वो कौन सा था पेशवा थे पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण हो गया था राजा के बाद किसका पद था पेशवा का पद था और फिर धीरे धीरे ये जो मराठा थे ये पांच संघों में टूट गए पांच बड़े बड़े घराने हो गए मराठाओं के कितने घराने बन गए पांच लिखिए जरा इनको कौन कौन से मराठा संघ बने सबसे पहले लिखी पूना और पूना में पेशवा की गद्दी थी पूना में पेशवा देखो लिखते लिखते ही समझते जाना है लोकेशन देखते हुए जाना है ठीक है और याद भी कर लेना है ठीक है तो पहला पुणे उसके अलावा बड़ौदा बड़ौदा कहाँ पे है गुजरात बड़ौदा में गायकवाड़ थे कौन थे गायकवाड़ उसके बाद नागपुर नागपुर के भोसले नागपुर के बोलो वेरी गुड उसके बाद ग्वालियर ग्वालियर के सिंधिया और पांचवे थे इंदौर इंदौर के होलकर इंदौर के होलकर, ठीक है एक बार नाम देखिए सारे पढ़िए एक बार पूना के पेशवा बड़ौदा के गायकवाड़ नागपुर के भोसले ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर ये पांच मराठा संघ थे ये समझ लीजिए मराठाओं के अलग अलग पांच घराने और अपने अपने घराने के जो चीफ हुआ करते थे उनके नेतृत्व में ये राज्य चल रहा था मराठाओं की शक्ति कितने भागों में हो गई पांच भागों में मतलब इंदौर में किसका शासन था होलकर का ग्वालियर में सिंधिया का नागपुर में भोसले का बड़ौदा में गायकवाड़ और पूना में पेशवा और जब भी जरूरत पड़ती थी समय समय पर ये पांचों इकट्ठे हो जाया करते थे ठीक है जब जरूरत होती थी तो पांचों क्या कर लिया करते थे एक संघ बना लिया करते थे संगठित हो जाया करते थे क्लियर है अब दिक्कत ये हुई 1775 तक आते आते मराठाओं की जो आंतरिक राजनीति थी उसमें कुछ परिवर्तन हुए और उसमें परिवर्तनों के कारण जब आपस में जब पांच लोग जब एक ही परिवार के जब पांच लोग आपस में झगड़ेंगे तो क्या होगा जो बाहरी शक्ति होगी वो क्या सोचेगी कि अब हमें सही अवसर मिल गया ठीक है अब हुआ क्या था इस समय तक हमने देखा कि इन पांचों में सबसे ज्यादा जो हाई पोजीशन थी सबसे ज्यादा महत्व था वो किसका था पूना के पेशवा का महत्व सबसे ज्यादा था ठीक है हालांकि अपनी अपनी जगह सब शासन करते थे लेकिन फिर भी इनका महत्व तो सबसे ज्यादा था सबसे ऊपर था और यहाँ की राजनीति मतलब तो पुणे में जो राजनीति चल रही है उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता था ठीक है अब हुआ यह कि 1761 में एक युद्ध हुआ बताइए 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था पानीपत का युद्ध हुआ था ना है ना तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का और उस युद्ध में मराठाओं की हार हो गई थी अब जब पानीपत के तीसरे युद्ध में यहां पर जब मराठा पराजित हुए तो मराठा शक्ति पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। मराठा पराजित हुए और मराठाओं की जो शक्ति थी वो कैसी हो गई कमजोर हो गई तो एक तो ये रीजन कि 1761 के बाद मराठाओं की जो शक्ति थी वो कैसी हो गई कमजोर पड़ गई और जो पेशवा थे पूना के क्या नाम था उनका बालाजी बाजीराव बाजी है ना जिन, क्या कहा जाता था उन्हें नाना साहब है ना वो ये कहे कि जो बिल्कुल मराठा शक्ति को अपनी चरम तक लेकर गए वो भी उनकी भी डेथ हो गई उसके बाद मराठा शक्ति कैसी हो गई कमजोर पड़ गई सत्रह सो तक मराठा शक्ति कमजोर हो गई और अब उनके बाद जो अगले पेशवा बने ठीक है आयु में कम थे उनका नाम था माधव राव कौन बने माधव राव अगले पेशवा बने किसके बाद बालाजी बाजी राव के पश्चात माधव राव अगले पेशवा बने हां जी ठीक है माधव राव अगले पेशवा बने कहते हैं कि सत्रह के आसपास इनकी डेथ हो गई ठीक है माधवराव की डेथ हो गई और फिर इनके जो भाई थे इनके भाई उनका नाम था नारायण राव नारायण राव ठीक उनको पेशवा बनाया गया फिर उनकी भी डेथ हो गई बहुत ज्यादा समय तक वो भी शासन नहीं कर पाए उनकी भी डेथ हो गई और फिर नारायण राव के नारायण राव की डेथ के बाद जब उनकी डेथ हुई उस समय उनकी जो पत्नी थी गर्भवती थी और फिर इनका जो पुत्र हुआ उनका नाम रखा गया सवाई राव अब यहां पे आप एक नाम और याद रखना यहाँ पे याद रखना आप रघुनाथ राव क्योंकि इन्हीं की वजह से ये युद्ध शुरू होंगे तो आपको याद ये रखना है कि नारायण राव की मृत्यु के बाद जब गद्दी खाली हुई तो रघुनाथ राव ने कहा कि अब पेशवा कौन रहेगा अब मैं पेशवा रहूंगा क्योंकि गद्दी खाली थी कुछ समय पश्चात नारायण राव की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उनका नाम रखा गया सवाई माधवराव तो जैसे ही बेटा हुआ वैसे ही सबने क्या बोला कि अब आप नहीं बन सकते जो वारिस है वो कौन है उत्तराधिकारी है वो कौन है सवाई माधव राव ही अब अगले वारिस है या माधव राव भी इनको कहा जाता है ठीक है माधव राव द्वितीय भी इनको कहा जाता है उन्होंने कहा कि ये वास्तविक उत्तराधिकारी हैं तो यही बनेंगे आप नहीं बन सकते अब ये अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि कुछ समय अपने आप को एज अ पेशवा उन्होंने रखा सामने फिर बाद में बेटा हो गया तो उन्होंने कहा अब ये उत्तराधिकारी रहेंगे तो वो अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते थे जब वो अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे तो वो क्या करेंगे किसी ऐसी शक्ति की सहायता मिल जाए जो मुझे पेशवा बनने में मदद करती रहे क्यों क्योंकि इनके खिलाफ कौन हो गए ये सभी इन सब ने क्या कहा कि पूना की गद्दी आपकी नहीं है वास्तविक उत्तराधिकारी है वो बनेंगे पेशवा अब एक छोटे से बच्चे को पेशवा बनते हुए ये कैसे देख लें? ये कहें कि मैं हूं योग्य मैं बनूंगा और माधवराव सेकंड के संरक्षण में उस समय कहते हैं मराठाओं के बारह मुखिया ट्वेल्व चीफ्स ऑफ मराठा इन्हें बारह भाई के नाम से भी बड़े पॉपुलर हुए ये कितने बारह भाई ट्वेल्व चीफ्स ऑफ मराठा मराठाओं के बारह मुखिया उनका एक ग्रुप था और उस ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे नाना फडनविस नाना फडनवीस जो मंत्री के पद पर भी थे नाना फडनविस वो इसके पक्ष में थे उन्होंने कहा कि यही वास्तविक उत्तराधिकारी है ये बनेंगे छोटा सा बच्चा है तो क्या हम संरक्षण करेंगे तो जो बार मुखिया थे उन्होंने अपने संरक्षण में इनको पेशवा घोषित कर दिया तो यहां पर लिख लीजिए नाना फड़नवीस के नेतृत्व में बारह मराठा मुखियाओं द्वारा किसको संरक्षण प्रदान किया गया सवाई माधव राव या माधवराव द्वितीय को पेशवा बना दिया गया पेशवा घोषित कर दिया ठीक है अब ये अपना पद ये अपनी शक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे लिख दो ये अपनी शक्ति छोड़ने को तैयार नहीं थे अब यहां से शुरू हो गई मराठाओं में आंतरिक कला जिसे कहते हैं ना इंटरनल रीजन डिस्टर्बेंसेस है ना आपस में मराठाओं के अंदर ही क्या हो गया जो आंतरिक जो राजनीति थी

शक्ति में रहने नहीं देगा अब ये यहां से पहुंच गए किसकी मदद लेने जब घर वाले मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा मदद बाहर वाले मदद करेंगे और बाहर में ऐसी कौन सी शक्ति थी मदद करने के लायक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो रघुनाथ राव पहुंच गए कहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तीन मुख्य गढ़ बन चुके थे बताओ कौन कौन से बॉम्बे मद्रास और बंगाल है ना तो इनके नजदीक कौन सा था इनके नजदीक था कौन सा बॉम्बे और तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा था कलकत्ता बंगाल वाला है ना तो क्या हुआ जो रघुनाथ राव थे वो पहुंच गए कहा वो पहुंच गए बॉम्बे रघुनाथ राव पहुंच गए ठीक है और यहां पहुंचने के बाद इन्होंने बॉम्बे में जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ एक संधि की ठीक है जो जो बॉम्बे में जो ब्रिटिश काउंसिल थी यस निकले मोबाइल ज्यादा जरूरी से जो भी मोबाइल है पहली बात कर लो क्लास में से बार बार इतना कोई टाइम नहीं है या घरी तो लो। आपको नहीं पता जो पढ़ा रहे हैं उनको तो इफेक्ट पर आपको कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनको तो इफेक्ट नहीं पड़ता बात का ही नुकसान है बात को विशेष रूप से मैं निवेदन कर रहा हूँ क्लास में पढ़ रहे तो क्लास में ही पढ़ो डेढ़ घंटे में ऐसी कौन सी जंग है भाई तुम्हारी बात <laughs> एक जा एक आ रहा है एक जा रहा आ मैं छह सात दिन तो ज्यादा ऑब्जर्व कर यार बस बात हम ये गतिविधि बात करवा आज अब किस क्लास के बाद एक और क्लास होने वाली है <laughs> विशेष सत्र होगा ठीक है अच्छा तो हम कहां थे रघुनाथ राव कहां पहुंच गए बंबई पहुंच गए अब यहां जाने के बाद इन्होंने जो बॉम्बे में जो ब्रिटिश काउंसिल थी उनके साथ इन्होंने संधि करी ठीक है और संधि में इन्होंने क्या क्या मांगा बताइए संरक्षण मांगा इन्होंने क्या कहा अब आप हमें सहायता कीजिए ठीक है अभी सहायक पे आएंगे अभी सहायक संधि शुरू ही नहीं हुई ठीक है इन्होंने क्या कहा आप हमारी सहायता कीजिए मैं पेशवा के पद पे रहना चाहता हूं आप मुझे पेशवा बनाने में सहायता करेंगे और उन्होंने कहा अब क्या सहायता करनी पड़ेगी उन्होंने कहा युद्ध में मदद करनी पड़ेगी तो बॉम्बे की तरफ से ये प्रॉमिस किया गया ये वादा किया गया कि जब युद्ध होगा तो हम आपको ढाई हजार प्रशिक्षित सैनिक आपको सहायता में प्रदान करेंगे तो लिखो संधि लिखिए युद्ध शुरू होने से पहले संधि हुई है यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कंडीशन डिफरेंट है ना यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि पहले युद्ध हो गए फिर एक पक्ष हार गया फिर संधि हुई यहाँ पे यहां सैनिक लेने के लिए सैन्य सहायता लेने के लिए यहां पर पहले संधि हो गई ठीक है तो लिखिए पहले सबसे पहली संधि लिखो सूरत की संधि सूरत की संधि सूरत की संधि हुई सत्रह सो पचहत्तर में सेवनटीन फाइव 1775 में सूरत की संधि इस सूरत की संधि में रघुनाथ राव ने अब देखो कंपनी को सहायता के बदले में क्या क्या दे दिया अब ये देखना इन्होंने कहा कि आप हमारी इतनी मदद करोगे तो आप एक काम करो ये जो क्षेत्र है तटीय जो क्षेत्र है ठीक है अब मैं नाम बोलूंगी फिर आपको होमवर्क दूंगी आपको उसकी लोकेशन देखनी पड़ेगी है ना तो दो क्षेत्र हैं सालसेट और वसाइन सालसेट और वसाइन ये दोनों क्षेत्र किसको दे दिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए ठीक है इसके अलावा यह कहा कि पहला तो ये पॉइंट दूसरा इन्होंने कहा कि सूरत और भड़ोच के राजस्व का कुछ हिस्सा भी आपको दिया जाएगा किसको दिया जाएगा ब्रिटिशर्स को दिया जाएगा ठीक है और बदले में आप क्या करोगे इन रिटर्न ऑफ सैन्य सहायता देनी होगी ढाई हजार सैनिक दोगे और मुझे पेशवा बनाओगे ठीक है और जो बॉम्बे में जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी जो ब्रिटिश मतलब प्रेसिडेंसी हाँ एक तरीके से उनका जो केंद्र था उन्होंने इस चीज को हाँ कर दिया दोनों के बीच में हो गई संधि अब इस संधि के बाद ये संधि की जो खबर है ये कहां पहुंच गई बंगाल पहुंच गई अब बंगाल वाले नाराज हो गए उन्होंने कहा कि तुम्हें कम से हमने अधिकार दे दिया संधि कर लो ये तो हम डिसाइड करेंगे किसके साथ क्या संधि करनी तो बंगाल से ग्रुप आया और उन्होंने आके क्या कह दिया कि हम इस संधि को नहीं मानते तो रघुनाथ राव को दोबारा बुलाओ फिर से संधि होगी तो दूसरी संधि हुई युद्ध से पहले ही संधियां चल रही अभी तो उन्होंने कहा दूसरी संधि होगी आप संधि कौन करेंगे ब्रिटिशर्स की कौन सी काउंसिल बंगाल वाली काउंसिल उन्होंने कहा कि संधि दोबारा होगी उन्होंने कहा ठीक है दोबारा संधि कर लो तो दूसरी संधि हुई उसे कहा जाता है पुरंदर की संधि और ये हुई 1776 ये जगहों के नाम है दोनों सालसेट और बसाइन ये दोनों जगह के नाम है और ये दोनों आपके होमवर्क भी है समझ गए लोकेशन मैप पे हाँ तो इतनी आसानी से बोल देते ना मुझे आधा शक तभी हो जाता है कि होमवर्क पूरा नहीं हो पाएगा लेकिन इतना बड़ा होमवर्क नहीं है सर्च करना ही ठीक है पुरंदर की संधि वरना फिर मैं एक डायलॉग बोलना शुरू करूंगी जो होमवर्क आप मिस करोगे ना आप देख लेना क्वेश्चन आएगा वहां से और ईमानदारी से कह रही हूं रिकॉर्ड है मेरी क्लासेस के डिस्कशन और जो होमवर्क होता है ना वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं हाँ ठीक है

उन्होंने कहा कि हम संधि को रिवाइज करेंगे दोबारा करेंगे हम इस संधि को नहीं मानते तो जो बंगाल परिषद थी ब्रिटिशर्स की उनके और रघुनाथ राव के बीच में दोबारा संधि हुई और उन्होंने साफ मराठाओं के बीच में संधि हुई उन्होंने साफ कह दिया कि आप अगले पेशवा नहीं रहेंगे लेकिन हम ये मानते हैं कि आपका अधिकार है हम आपको पेंशन दिलवाएंगे रघुनाथ राव से क्या वादा किया इन्होंने पेंशन का वादा किया तो हां जी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी बंगाल ठीक है इन्होंने क्या वादा किया रघुनाथ राव को पेंशन दिलाने का ठीक है एक बात बताइए बंगाल की तरफ से इस संधि का सूरत की संधि का विरोध क्यों हुआ हालांकि आंसर मैंने अभी बता दिया था आपको थोड़ी देर पहले डिस्कशन में लेकिन मैं जानना चाह रही हूं कि ध्यान दिया था कि नहीं दिया था हाँ, इसका मतलब क्या हुआ थी तो कंपनी एक ही कंपनी के तीन केंद्र थे कौन कौन से बंगाल बॉम्बे और मद्रास उनमें सबसे ज्यादा पावर किसके पास इसके पास बंगाल के पास सबसे ज्यादा पावर ठीक है क्यों एक काम करो स्टार मार्क करके लिख दो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट फिर जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, तब आपको बताऊंगी इसका ठीक है चलो पुरंदर की संधि हुई और पुरंदर की संधि में उन्होंने कहा कि नहीं ये आपको पेंशन आपको दिला दी जाएगी लेकिन आप पेशवा नहीं रहेंगे हाँ हम आपकी मदद जरूर करेंगे युद्ध में आपकी मदद की जाएगी उन्होंने कहा ठीक है अब ये हुआ 1775 का इंसिडेंट 1776 का इंसिडेंट किस किस के बीच में ये दोनों संधिया मराठाओं की तरफ से कौन थे यहाँ पे रघुनाथ राव थे जिनको मराठाओं ने क्या कह दिया था कि आप पेशवा नहीं रह सकते अब 1777 में एक और घटना हुई 1777 ईसवी में क्या हुआ नाना फडनवीस ने फ्रेंच कंपनी या फ्रांसीसी कंपनी को पश्चिमी तट पर व्यापार की अनुमति उन्होंने दे दी कि आप जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो किसको किसको परमिशन दी फ्रांसीसी कंपनी को अब जब फ्रांसीसी कंपनी को ये सपोर्ट मिला वो भी किसकी तरफ से नाना फडनवीस की तरफ से जिसका प्रभाव इतना ज्यादा था टाइम कौन सा चल रहा है 1777 इस टाइम पर फ्रेंच के कंपटीशन में मैसूर के साथ उलझे हुए तो लड़ाई कर रहे थे यही टाइम पीरियड चल रहा था ना जब पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तो फ्रांसीसी कंपनी का मैसूर में इतना ज्यादा जो प्रभाव था उसी को रोकने के लिए तो मैसूर के साथ युद्ध हुए अब अगली जो राजनीतिक शक्ति है क्षेत्रीय शक्ति मराठा अगर वो फ्रांसिसियों को अपने क्षेत्र में व्यापार करने की परमिशन दे देगी अनुमति दे देगी दे दे तो सबसे ज्यादा बुरा किसको लगेगा ब्रिटिशर्स को लगेगा तो उन्होंने क्या सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई अब इस बात के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चिढ़ गई और उन्होंने कहा कि अब देते हैं साथ इन्होंने फ्रेंड्स को कैसे इतने अधिकार दे दिए क्यों अब देखो एरिया किसका मराठाओं का मर्जी उनकी बुरा लग गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और उन्होंने क्या सोचा कि वेस्ट का जो ट्रेड है वेस्ट के जितने भी सेंटर्स हैं वो जब तक पूरे हमारे नियंत्रण में नहीं आ जाते तब तक ये नहीं मान लेना कि पूरा भारत हमारे नियंत्रण में आ गया क्योंकि आप वेस्ट की तरफ के मैंने कहा ना जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस पे फोकस करिए वेस्ट की तरफ के आप ये एरियाज देखिए और ये बताइए कि यहां से ये जो एरियाज़ हैं पूरे यहां से जो भी जितने भी चलो एक होमवर्क लिखो यहां ऑनलाइन वाले भी होमवर्क लिखेंगे पूरे जो वेस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का यहां पर कौन कौन से मुख्य बंदरगाह क्षेत्र हैं, वो लिख कर लाओगे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ये आपका होमवर्क है ठीक है इस एरिया में जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है आप, आप तो तट, कवर करोगे। अब ये समझ लो कि ये जो एरिया था यहां से व्यापार कहां होता होगा ये वाला एरिया ये पूरा व्यापार के लिए बहुत बिजी एरिया था बहुत महत्वपूर्ण और समझिए प्राचीन काल से यहाँ के जो बंदरगाह क्षेत्र थे वो व्या, व्यापारिक दृष्टि से बहुत समृद्ध थे आप सोचिए कि ये वाले जो तट थे यहाँ पर तो इंडस्ट्रियली सिविलाइजेशन के समय से व्यापार होता आया है है है, ना, था ना, हाँ। था ठीक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा जब तक वेस्टर्न कोस्ट हमारे कंट्रोल में पूरे तरीके से नहीं है तब तक हम इसे नहीं मानेंगे कि हमारा नियंत्रण हो गया तो 1777 में जैसे ही नाना फडनवीस ने फ्रेंच को यह अनुमति दी कि आप यहां पर व्यापार कर सकते हो वैसे ही दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया एक तरफ मराठा और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स दोनों के बीच में युद्ध हुआ कहते हैं कि इस युद्ध में ये जो युद्ध हुआ इस युद्ध में एक तरफ मराठा और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे सेना का सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे हाँ एक नाम आया अभी पीछे किसी ने बोला हम्म नेतृत्व किया महाजी सिंधे मतलब ये कहें कि जो सिंधिया थे कहां के ग्वालियर के उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया मराठा के पक्ष से और इन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो आर्मी आई थी जो सैन्य टुकड़ी आई थी उस सैन्य टुकड़ी को अब देखो जो जिस क्षेत्र में रहता है ना वहां की भौगोलिक दशा के बारे में बहुत अच्छे से जानता है तो कहते हैं एरिया है बहुत घाट है ये पूरा घाट वाला क्षेत्र तो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स को तो इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी जितनी इनको जानकारी थी मराठाओं को और गुरिल्ला वॉर टेक्निक में वैसे ये बहुत ज्यादा बहुत आगे बढ़ चुके थे बहुत निपुण थे तो इन्होंने क्या किया जितने भी ब्रिटिशर्स की फौज थी उनके जितने भी रास्ते थे ना बाहर निकलने के सब कट ऑफ कर दिए घेर लिया उनको और खाने पीने की जितनी सुविधाएं हो सकती थी सब काट दी कहते हैं उस एरिए है के कुओं में भी इन्होंने जहर मिला दिया कि प्यासे ही मर जाएंगे ब्रिटिश फौज इस सारे स्ट्रेटेजी सिंधिया बना रहे थे और कहते हैं कि फूड और वाटर इन दोनों की इतनी स्कॉर्सिटी कर दी इतनी ज्यादा कमी कर दी कि ब्रिटिश फौज ने क्या कर दिया सरेंडर कर दिया इनके सामने कि हम युद्ध अब नहीं कर सकते हार गए 1779 में उसी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसने सरेंडर कर दिया हार मान ली लिखो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1779 में मराठा सेना के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली 1779 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा सेना के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली अब हार गए तो हारने वाले पक्ष के साथ संधि तो होगी अब मराठाओं ने कहा कि ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे संधि करिए। आप हमारे आंतरिक मामलों में बहुत दखल अंदाजी कर रहे हैं आप संधि करिए और तब संधि हुई उसे कहा जाता है वडगांव की संधि लिखिए तो तीसरी जो संधि हुई वो कौन सी हुई वडगांव की संधि हुई और युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि टाइम क्या लिखा है आपने सत्रह से सत्रह बयासी ठीक है तो तीसरी संधि लिखिए पहले युद्ध की तीसरी संधि वडगांव की संधि वडगांव संधि अब एक बात बताइए जो आर्मी जो सैन्य टुकड़ी यहां पे गई थी जो हार गई उसके पास तो संधि करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था लेकिन जो बंगाल में बैठे हैं वो हार मान लेते क्या अब उनसे ये बर्दाश्त ना हो कि हार कैसे गए बंगाल से दो टुकड़ियां भेजी गई और उन्होंने साफ कह दिया हम इस संधि को नहीं मानते बंगाल से दो टुकड़ियां आई एक गई ग्वालियर ग्वालियर में क्यों क्योंकि सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे सिंधिया तो एक को कहा भेज दिया ग्वालियर सिंधिया के गढ़ में भेज दिया जाइए, वो नेतृत्व कर रहे हैं मराठा संघ का पूरे मराठा पावर का और दूसरे को भेजा गया कहा अहमदाबाद ठीक है तो लिखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल काउंसिल ने बड़गांव की संधि का विरोध किया बंगाल काउंसिल ने इस संधि का बडगांव संधि का विरोध किया और मराठाओं के विरुद्ध दो सैन्य टुकड़ियां भेजी और मराठाओं के विरुद्ध दो सैन्य टुकड़ियां भेजी गई इन इनमें से एक ने इनमें से एक ने अहमदाबाद को इनमें से एक ने अहमदाबाद को अपने नियंत्रण में लिया और दूसरी टुकड़ी ने ग्वालियर पर आक्रमण कर ग्वालियर पर आक्रमण कर सिंधिया को पराजित किया सिंधिया को पराजित किया अब कौन जीत गए ब्रिटिश जीत गए अब उन्होंने कहा अब करो संधि ठीक है फिर लिखो फिर सालबाई की संधि के द्वारा सत्रह सो बयासी में हाँ अगली लाइन लिखिए सालबाई की संधि के द्वारा सत्रह बयासी के द्वारा युद्ध की समाप्ति हुई सालबाई की संधि के द्वारा युद्ध की समाप्ति हुई तो पहले ही आंग्ल मराठा युद्ध में कितनी संधियां हो गई कितनी हो गई चार हो गई दो किसके साथ हुई थी रघुनाथ राव कौन कौन सी थी सूरत और दूसरा पुरंदर ठीक है कंफ्यूज मत होना पोरबंदर मत लिखना पुरंदर और बाकी की दो संधियां युद्ध के बाद हुई मतलब युद्ध युद्ध के दौरान हुई एक में कौन जीते मराठा पक्ष जीता तो उन्होंने संधि की कौन सी वडगांव की संधि क्योंकि ये युद्ध किस एरिया में हो रहा था वडगांव वाले क्षेत्र में हो रहा था ठीक है वडगांव की संधि हुई किसके पक्ष में थी ये संधि मराठाओं के पक्ष में थी इसका विरोध किया उन्होंने कहा हम नहीं मानते हम तो और सेना भेजेंगे युद्ध करिए देखो संधि का क्या नियम होता है एक पक्ष हार जाए दोनों पक्षों के बीच में युद्ध का हरजाना दे दिया मान लो जो हार गया वो हरजाना देता है संधि हो गई अब अगर दोबारा युद्ध करना हो तो वो क्या करते हैं संधि की शर्तों को तोड़ते हैं पहले तो बंगाल वालों ने क्या कहा हम संधि मानते ही नहीं हम फिर युद्ध करेंगे तो 1779 में वड़गांव की संधि हुई ठीक है जनवरी में और फरवरी में ही दूसरी फौज भेज दी उन्होंने उन्होंने कहा हम नहीं मानते ठीक है फिर युद्ध चला उनके बीच सेवनटीन सेवन से लेके गए सेवनटी नाइन में फिर एट्टी में एट्टी वन और एट द एंड एटी टू में आते आते कौन जीत गए ब्रिटिशर्स जीत गए और फिर दोनों के बीच में संधि हुई उसे क्या कहा जाता है सालवाई की संधि इसको स्टार मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट है इस सालबाई की संधि में क्या कहा गया इसमें यह कहा वो जो दो क्षेत्र थे देखो जब वड़गांव की संधि हुई तो पूरा पूरा युद्ध किसके पक्ष में था मराठाओं के पक्ष में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी रघुनाथ राव ने आपको दिया है ना सब वापस कुछ नहीं मिलेगा तुम तो। जीत गए थे ना उन्होंने कहा 1775 से जो कुछ भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में गया है वो वापस किसका हो जाएगा का ये किस संधि में हुआ में अब संधि हो गई कौन सी साल बाई की तो अब हम बताएंगे क्या आपके पास रहेगा क्या हमारे पास आएगा ठीक है सालसेट और बसाइन इन दोनों को बांट लिया गया सालसेट आया ब्रिटिशर्स के पास सालसेट किसके पास किसको मिल गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला बसाइन मराठाओं को सौंप दिया गया ठीक है ये क्षेत्र आपस में बांट लिए इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने कहा देखो युद्ध का कारण क्या था ब्रिटिशर्स क्यों इन्वॉल्व हुए युद्ध में क्योंकि फ्रेंच को उन्होंने व्यापार करने की अनुमति दे दी थी नाना फडनवीस ने ठीक है तो इन्होंने कहा अगले अगली जो शर्त डिसाइड हुई अगला जो नियम बना संधि में वो ये कि मराठा किसी भी अन्य यूरोपीय शक्ति को या यूरोपीय कंपनी को व्यापार की अनुमति नहीं देगा नहीं देगा अब मराठाओं ने कहा ठीक है हम मान जाएंगे तुम भी एक शर्त मान लो उन्होंने कहा क्या कि आप रघुनाथ राव की सहायता नहीं करेंगे हमारे जो पेशवा है वही रहेंगे आप रघुनाथ राव की सहायता नहीं करेंगे ठीक है तो रघुनाथ राव को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सहायता नहीं करेगी ठीक है दोनों के बीच में ये मेजर मेजर जो कंडीशंस थी वो ये थी और इस तरीके से सत्रह तक क्या कंडीशन बनी कि पश्चिमी तट के कुछ क्षेत्र किसके पास आ गए वो आ गए ब्रिटिश के पास देखो एक होता है एरिया के ऊपर कंट्रोल तो एरिया भले ही साल सेट गया ब्रिटिशर्स के पास लेकिन उन्होंने क्या वादा ले लिया कि किसी भी दूसरी यूरोपीय कंपनी को आप अपने क्षेत्र में व्यापार की अनुमति नहीं दोगे इसका मतलब क्या हुआ अपने आप इस कंडीशन ने इसको ऐसे अंडरलाइन करिए और लिखिए इस शर्त ने इस शर्त ने क्या कर दिया मराठाओं के क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया मराठाओं के क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समझो इस चीज को फिर आपको बार बार एक एक शब्द के लिए मुझे बोलना नहीं पड़ेगा समझो मैंने क्या कहा किसी दूसरी यूरोपीय कंपनी को व्यापार की अनुमति नहीं मिलेगी इसका मतलब क्या हुआ मराठाओं के क्षेत्र में किसका प्रभुत्व बन गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लिख लो वही लिखना था बस इस शर्त ने मराठाओं के क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित कर दिया यह इस संधि की सफलता रही ब्रिटिशर्स के पक्ष में समझ में आया हाँ कि ना पीछे यह जो लाइन आपने लिखी है इसका मतलब समझ में आया कि इस क्षेत्र में अब किसका प्रभुत्व हो गया ब्रिटिशर्स का हो गया क्योंकि बाकी किसी को भी अब यहां पे व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ठीक है तो ये था पहला आंग्ल मराठा युद्ध फटाफट एक मिनट का टाइम है रिवाइज करो पढ़ो क्या लिखा है आपने जल्दी से विद इन अ मिनट रिवाइज करो हाँ हाँ जो अभी आंग्ल मराठा लिखा है ना सिर्फ उसको जल्दी से देखो ऑनलाइन वाले भी दूसरे की कॉपी में मत पढ़ो अपनी कॉपी में पढ़ो कर ले हाँ? चलो अब लिखो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में जो संधि होती है अभी लिखना ही है जो संधि होती है उसका नाम है बसाइन की संधि क्या नाम है उसका बसाइन की संधि और आज का लेक्चर जब शुरू हुआ था तब मैंने कहा था कि बसाइन की संधि के लिए कहा जाता है कि इस संधि ने भारत की चाबी किसको सौंप दी ब्रिटिशर्स को सौंप दी तो इस संधि का महत्व तो बहुत बड़ा है इसका मतलब दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में जो ब्रिटिशर्स को जो विजय मिली उसका महत्व तो राजनीतिक रूप से नैतिक रूप से उसका महत्व तो बहुत ज्यादा है ठीक है चलो तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1803 से लेके 1805 के बीच में ये युद्ध हुआ अब 1803 में अगर युद्ध शुरू हुआ है तो इसका मतलब युद्ध के लिए जो परिस्थितियां थी वो पहले बन गई होंगी ठीक है अब हुआ क्या ये समझना हुआ ये वर्ष सत्रह में मतलब सत्रह सो ईस्वी में क्या हुआ कि जो माधवराव सेकंड थे है ना उनकी मृत्यु हो गई इनकी मृत्यु हो गई ठीक और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई वापस से पूरे जो आंतरिक राजनीति थी उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें वापस से उत्तराधिकार के लिए शुरू होने लगी और अगला जो दावेदार जो अगले आए इनके मृत्यु के बाद जो अगले दावेदार आए वो रघुनाथ राव की रिजीम से उनके साइड से कौन आए बाजीराव द्वितीय नाम था उनका कौन आए बाजीराव द्वितीय ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया ये समझ लीजिए कि पहले जब ये जो युद्ध हुआ था वो युद्ध किसकी वजह से हुआ था इनिशिएट किसने किया था रघुनाथ राव ने क्योंकि वो अपने आप को उत्तराधिकारी रखना चाहते थे वो अपने आप को पेशवा रखना चाहते थे और उसके बाद जो युद्ध हुआ वो किसकी वजह से हुआ वो इसकी वजह से हुआ क्योंकि अब ये अपने आप को पेशवा रखना चाहते थे किस साइड से किस लाइनेज से थे ये रघुनाथ राव वाली लाइनेज से ठीक है अब बाजीराव द्वितीय ने कहा कि अब मैं अगला पेशवा हूं और मराठा में मराठा राज्य में वापस से आंतरिक कले शुरू हो गया तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि 1800 ईसवी ईस्वी में नाना फड़नवीस की भी मृत्यु हो गई इनकी भी मृत्यु हो गई ठीक है और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई वैसे ही समझ लीजिए कि अभी तक किसी तरीके से नाना फडनवीस ने पांचों मराठा संघों को रोक कर रखा हुआ था एक बनाकर किसी तरीके से रखा हुआ था और अब क्या हुआ अब सब टूटकर अलग 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 होने लगे ना। अब नाना फड़नवीस की भी मृत्यु हो गई अब बाजीराव सेकंड के पक्ष में वैसे कोई नहीं थे ठीक है बहुत कम लोग इनके पक्ष में थे अब इन्होंने क्या किया कहते ना कि अपनी शक्ति को दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया इन्होंने बाजीराव ने इंदौर के होलकर्स थे ठीक है इंदौर के होलकरस तो वहां के जो होलकर राजा थे जसवंत राव होलकर उनके भाई की हत्या कर दी किसको मार दिया जो जसवंत राव होलकर थे उनके भाई को मार डाला अब जैसे ही इन्होंने होलकर के भाई को मारा वैसे ही मराठा संघों के बीच में युद्ध शुरू हो गया अब ऐसे भी कौन बर्दाश्त करेगा तो होलकर ने क्या किया उन्होंने सीधा अटैक घोषित कर दिया किसके ऊपर पूना पर क्योंकि ये कहा थे पेशवा कहाँ के थे पूना के तो इन्होंने कहा कि अब हम अटैक किस पे करेंगे पूना पे अटैक करेंगे इन्होंने पूना पर आक्रमण घोष गोश... की घोषणा कर दी अब जैसे इन्होंने आक्रमण की घोषणा की वैसे ही इन्होंने क्या कहा कि मुझे मदद चाहिए मदद चाहिए इन्होंने सोचा किससे मदद ली जाए इंदौर के होलकर हैं तो मैं मदद ले लेता हूं किससे सिंधिया से किसे मदद ले लेता हूं सिंधिया से तो एक तरफ होलकर कहां के इंदौर के और दूसरी साइड कौन था पेशवा और सिंधिया सिंधिया ने युद्ध में मदद की किसकी पेशवा की पेशवा कहां थे पूना ग्वालियर वाले ने मदद भेजी पूना में ठीक है और होलकर्स ने अटैक किया इनके ऊपर और इस युद्ध में कौन जीत गए होलकर विजयी रहे अब जैसे ही होलकर की विजय हुई जैसे ही पेशवा हारे पूना में बाजीराव सेकंड, जैसे ये पराजित हुए, वैसे इन्होंने सोचा कि अब पूना से भाग जाओ अब यहां से बचो वरना हमने तो इनके भाई की हत्या की ये हमें मार डालेंगे और बाजीराव सेकंड यहां से बचकर कहाँ भाग गए यहां से बाजीराव द्वितीय पहुंच गए बसाइन कहा पहुंच गए बसाइन पहुंच गए बसाइन चले गए और वहां पहुंचकर इन्होंने बसाइन पहुंचकर इन्होंने मदद मांगी और बड़ी शक्ति से किससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने सहायता मांगी तो बसाइन पहुंचकर इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा इन्होंने कहा वेरी गुड हम तो है ही आपकी सहायता के लिए हम तो कब से नजरे लगाए बैठे थे कि कब 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 आंतरिक कलेश हो कब आपस में ये दोबारा मौका मिले बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे पूरी पूरी मदद करेंगे पूरा सपोर्ट है आ जाइए सहायता किन्होंने उन्होंने कहा क्या तो संधि तो करिए तो बसाइन में जो संधि हुई वो कौन सी संधि हुई बसाइन की संधि हुई ठीक है तो लिखिए यहाँ पुना के पेशवा क्या नाम था उनका बाजीराव द्वितीय उनके बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बसाइन की संधि हुई लिखो बसाइन की संधि हुई और इस संधि को स्टार मार्क कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस का क्वेश्चन बनने की यहां से संभावना है आपको बसाइन भी लिखा मिलेगा बसीन भी लिखा मिल सकता है तो ये नहीं सोचना ये कौन सी जगह है ठीक है? है।, है ये तो बसाइन की संधि की संधि हुई अब इस संधि में ऐसी कौन कौन सी शर्तें थी जिसकी वजह से ये कह दिया गया किसने भारत की चाबी किसको सौंप दी ब्रिटिशर्स को सौंप दी बसाइन की संधि में बाजीराव पेशवा ने ये कहा कि हम हैदराबाद वाला जो निजाम वाला जो क्षेत्र है देखो निजामत के ऊपर हैदराबाद वाले क्षेत्र के ऊपर मराठाओं का अधिकार चलता था मतलब उनका प्रभुत्व तो चलता था और मैंने आपको पहले बताया था कि मराठाओं ने अप्रत्यक्ष प्रशासन भी लागू किया था क्या करते थे वो राजस्व की दर लागू कर देते थे और उस क्षेत्र को छोड़ के आ जा आ जाते थे है ना तो हैदराबाद वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मराठा एक कर लगाया करते थे उसे कहा जाता था चौथ दो कर हैं हैं इनके बहुत है, चौथ सरदेश मुखी ठीक है तो हैदराबाद वाले क्षेत्र में ये चौथ लगाया करते थे तो इन्होंने क्या क्या कह दिया बसाइन की संधि में इन्होंने कहा कि हम हैदराबाद का जो निजाम वाला जो क्षेत्र है वहां से चौथ लगाने पर अब रोक लगाते हमारी तरफ से कोई कर वहां पर अब नहीं लगाया जाए मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या छुड़वा लिया हैदराबाद वाला एरिया उसके ऊपर कर लगाने का जो अधिकार था देखो एक तो सामान्य दृष्टि से अगर आप देखो तो आप कहोगे कर ही तो छोड़ा था थोड़ा फाइनेंशियल लॉस ही तो होगा लेकिन क्या वास्तविक रूप में वो सिर्फ कर लगाने का अधिकार था ये एक नैतिक संप्रभुता थी कि आप हमारे अधीन हैं और हम आपके ऊपर करियर राजस्व लगा सकते हैं ये अधिकार है हमारे पास तो वो एक अपना एक प्रभुत्व था एक नैतिक प्रभुत्व की स्थापना थी वो जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हटा दिया इस शर्त में इस संधि के द्वारा और इसमें क्या कहा गया कि अब जो निजाम वाला क्षेत्र है निजाम के क्षेत्र में मराठा कर ब्रैकेट में लिख देना चौथ नहीं लगाएंगे दूसरी जो बड़ी शर्त ये कि हैदराबाद के साथ आप जब भी बात करेंगे मराठा जब भी हैदराबाद के साथ बात करेगा तो बीच में अपना वकील किसे बनाएगा हमेशा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मध्यस्थ रहेगी ठीक है तो यहां पर लिखो पहले फिर इसका मतलब समझाती हूं मराठा और एवं निजाम के बीच कोई भी मामला हो या, या बीच के मामलों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा मध्यस्थ रहेगी मध्यस्थ की भूमिका में रहेगी ठीक है तीसरा अच्छा पहले इसका मतलब समझ लो फिर थर्ड पॉइंट पे जाएंगे पढ़ो जरा अपनी अपनी कॉपी में इसको पढ़िए ऑनलाइन वाले भी जरा एक बार इसको पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि मराठा और निजाम के बीच मतलब मराठा रीजन पूरा और निजाम कहाँ के थे हैदराबाद और हैदराबाद का ही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर्नाटक वाला क्षेत्र तो यहाँ के बीच जब भी बातचीत होगी तो मध्यस्थ कौन रहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब इसको भी थोड़ा सा एनालाइज करिए जब एक राज्य ऐसे समझना एक राज्य जब दूसरे राज्य के साथ बातचीत करता है कोई भी समझौता करता है तो इसे कौन सा मामला समझा जाता है इसे हा? जब मान लीजिए कोई भी एक स्टेट है कोई राज्य है वो जब भी किसी दूसरे बाहरी राज्य के साथ बातचीत करता है किसी भी तरीके से युद्ध हो संधि हो कोई भी समझौता हो तो इसे किस कैटेगरी में किस श्रेणी में रखा जाता है इसे विदेशी मामले बाहरी मामले समझा जाता है ना चाहे युद्ध हो या संधि हो सैन्य मामले इसका मतलब क्या अगर ये शर्त में शामिल कर दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा मध्यस्थ रहेगी और वो जो कहेगी वो मराठा करेंगे इसका मतलब क्या कि आप अपने पड़ोसियों के साथ आप अपने हिसाब से आप डिसीजन नहीं ले सकते बाहरी मामले विदेशी मामले किसके हाथ में चले गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चले गए ठीक है विदेशी मामले किसके कंट्रोल में चले गए ब्रिटिश अब यहां पे आप इसके सामने दो एंगल बनाओ एक तरफ लिखो विदेशी मामले और ये कह दिया कि अब आप ना युद्ध करोगे उनके साथ ना संधि करोगे कुछ भी अपने हिसाब से नहीं करना आपको तो काफी हद तक सैन्य मामले भी गए इन दोनों में शक्ति किसके हाथ में चली गई मराठाओं की शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई अच्छा अब यहां पे मैं एक संधि का नाम बोलूंगी एक पॉलिसी का नाम बताऊंगी उसका नाम था सहायक संधि ठीक है सहायक संधि और इस सहायक संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिस भी राज्य के साथ सहायक संधि पर साइन करवाती थी सहायक संधि में शामिल होती थी तो एक तरफ होती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ कोई भी राज्य या स्टेट इस संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी कि हम आपकी सहायता करेंगे युद्ध में आपको अपनी आर्मी डिसॉल्व करनी होगी अपनी सेना भंग करके हम आपके क्षेत्र में एक नई आधुनिक सेना बनाएंगे यहां पर तो सैन्य मामले दूसरा आप किसी भी पड़ोसी किसी भी बाहरी राज्य के साथ अकेले बातचीत नहीं करेंगे हमारा ब्रिटिश रेजिडेंट एक आपके पास रहेगा आपके दरबार में रहेगा और हमारी मध्यस्थता के बिना किसी भी तरीके से विदेशी मामलों में आप निर्णय नहीं लेंगे पड़ोसियों के साथ किसके साथ युद्ध करना है किसके साथ संधि करनी है कुछ भी आप अपने अपने लेवल पे किसी से बात नहीं करोगे तो यहाँ पे कौन सा विदेशी मामला तो यहाँ पे और यहाँ पे एक जैसा दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या पेशवा के साथ सहायक संधि समझ आ गया देखो हमने इस ये जो संधि हुई थी बसाइन की संधि हुई थी इसको हमने एनालाइज किया थोड़ा सा इसको हम डिटेल में इसका विश्लेषण कर रहे हैं कैसे हमने कहा कि मराठाओं से जब यह शर्त मनवा ली गई कि आप निजाम के साथ निजाम के क्षेत्र में कोई भी मामला हो आप हमेशा ब्रिटिशर्स को मध्यस्थ की भूमिका में रखोगे और मध्यस्थ जो बोलेगा मीडिएटर जो बोलेगा वही होगा ठीक है इसका मतलब क्या मान लीजिए आप हैं और आप हैं आपसे कह दिया जाए कि आपको अपने पड़ोसी से अगर बातचीत करनी है तो आप हमें मीडिएटर बना के लेके जाएंगे अपने हिसाब से कभी किसी से कोई ना संधि करनी ना युद्ध करना आप खुद निर्णय नहीं लोगे अपने पड़ोसी के मामले में विदेशी मामले में निर्णय कौन लेगा हम मध्यस्थ बन के चलेंगे तो क्या आपके निर्णय लेने की स्वतंत्रता बनी रह गई क्या क्या आप एक राजा तो है एक स्टेट तो है आप एक राज्य तो है लेकिन एक राज्य के जो विदेशी मामलों पर जो अधिकार होते हैं क्या रह गए वो तो जैसी मराठाओं से यह संधि करी बसाइन की संधि कह दिया कि आप हमेशा निजाम के मामले में आप हमेशा में मध्यस्थ रखोगे तो इनडायरेक्टली क्या कर दिया उन्होंने मामलों पर से मराठाओं के अधिकार छीन लिए जब उनसे कह दिया कि आप निजाम के ऊपर युद्ध संधि ऐसा कुछ भी नहीं करोगे इसका मतलब सैन्य मामले भी उनसे छीन लिए और ये दोनों ही चीजें कौन सी ऐसी दूसरी पॉलिसी है जिसकी मुख्य दो शर्तें थी ये दोनों ही सहायक संधि की शर्तें थी ये एग्जाम्पल मैंने यहां इसलिए दिया है क्योंकि अब 1798 के बाद से आप देखोगे किस तरीके से इन्होंने इस टाइम के बाद से भारत क्षेत्रों को सहायक संधि करके उनकी सैन्य शक्ति और उनके विदेशी मामले दोनों ही उनसे छीन कर उन, शक, उन शक्तियों को कितना कमजोर कर दिया जिस राज्य के पास से उसकी सैन्य अधिकार और विदेशी मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार ही चला जाए तो वास्तविकता में राज्य रह गया है क्या वो नहीं रह गया ना इससे ब्रिटिशर्स को क्या लाभ था बताइए क्या लाभ उन्होंने सहायक संधि में विदेशी मामलों को ही अपने नियंत्रण में क्यों किया वेरी गुड वेरी गुड ताकि आपस में ये कभी संधि ना कर लें कभी एकजुट होकर आ ना जाए कहीं ऐसा ना हो भारतीय राज्य और जो इनके अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको मिला के हमारे खिलाफ ना खड़े हो जाए तो उन्होंने क्या किया उन्होंने तभी सहायक संधि में सहायता के नाम पर इन्होंने क्या किया विदेशी मामले और सैन्य मामले दोनों ही शक्तियां जिस भी राज्य के साथ संधि हुई उससे दोनों शक्तियां इन्होंने छीन ली अदरवाइज क्या इतनी आसानी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक विदेशी व्यापारिक कंपनी पूरे भारतीय स्तर पर अपना राजनीतिक शासन स्थापित कर देती? जब तक भारतीय राज्य और शासक कमजोर नहीं हो जाए तब तक कोई बाहरी शक्ति स्थापित नहीं हो सकती तो उन्होंने उनको कमजोर करने के लिए सहायक संधि का इस्तेमाल किया सैन्य मामले और विदेशी में होंगे दोनों अपने नियंत्रण में ले लिए इनके खुद की सेना मत छोड़ो सेना खुद राज्यों के डिसॉल्व करा दी अपनी सेना बिठा दी अब वो किसके कमांड पे चलती थी ब्रिटिशर्स की कमांड खर्चा कौन देता था इतने भले नहीं थे वो खुद खर्चा दे देते ठीक है ठीक है तो बसाइन की संधि समझ में आ रहा है ना बसाइन की संधि में क्यों कहा गया कि बसाइन की संधि ने भारत की चाबी ब्रिटिशर्स को दे दी अभी लाइन को यूपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चन में सीधे-सीधे स्टेटमेंट -सीधे दे सकती है और कह देगी आपसे बताइए विश्लेषण करिए इस बात का ठीक है अच्छा इसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें उसमें क्या कहा उसमें ये कहा कि ये वाला जो क्षेत्र है ठीक है पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है भारत का यहां पर सूरत के आसपास वाला क्षेत्र यहां पर वो एरिया वो क्षेत्र जहां लाखों में राजस्व आता है लगभग 26 लाख रुपए के राजस्व पर किसका अधिकार कर दिया ब्रिटिशर्स को ऐसे क्षेत्र उनको दे दिए जहां 26 लाख रुपए राजस्व आता हो वो किसको दे दिया ब्रिटिशर्स को मतलब फाइनेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग बना दिया वित्तीय स्तर पर उनको और ज्यादा मजबूत कर दिया लिखो 26 लाख रुपए के राजस्व वाला क्षेत्र 26 लाख रुपए के राजस्व वाला क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया मरा, अगला लिखो मराठा इस बात पर नेक्स्ट पॉइंट मराठा इस बात पर सहमत हुए कि मराठा मतलब यहां पे कौन कर रहा है संधि बाजीराव द्वितीय है ना मराठा इस बात पर सहमत हुए कि वो किसी भी अन्य यूरोपीय शक्ति को अपने क्षेत्र में रोजगार भी नहीं देंगे ठीक है ये हो गई बसाइन की संधि अब बसाइन की संधि में अब बाजीराव को अब किसका समर्थन मिल गया ब्रिटिशर्स का समर्थन मिल गया अब एक तरफ किसने हराया था बाजीराव को? होलकर होलकर ने हराया था ना तो अब क्या हुआ अब युद्ध हुआ किस किस के बीच में एक तरफ पेशवा ब्रिटिशर्स की हेल्प से और दूसरी तरफ होलकर और इस युद्ध में कौन जीत गए ब्रिटिशर्स जीत गए किसकी जीत हो गई इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए पेशवा की जीत हो गई होलकर यहां पर हार गए युद्ध हुआ कब 1803 के बाद से युद्ध की शुरुआत हो गई संधि पहले हो गई युद्ध से वसाइन की संधि 1802 में और युद्ध का समय क्या लिखा है 1803 से 1805। अब अब क्या हुआ जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा एक साथ आए और ये समझ में आ गया सबको जो मराठा जो बाकी संघ थे उनको ये समझ में आ गया कि इन्होंने सैन्य और विदेशी मामले अपने हाथ में ले लिए इसका मतलब पेशवा का पेशवा की जो शक्ति थी वो कमजोर कर दी खत्म कर दी शक्ति बिल्कुल ठीक है अब इन्होंने सोचा कि पूरी जो मराठा कंफेड्रेश पूरा जो मराठा संघ है जो पांच हमने नाम पढ़े उनमें सबसे ज्यादा प्रतीकात्मक शक्ति किसके पास थी पेशवा मतलब आप शुरू से याद कीजिए जब राजा के बाद अगला पद ही मराठा मतलब पेशवा ऐसी स्थिति में अगर पेशवा की ही विदेशी मामलों की शक्ति चली जाए सैन्य शक्ति पर किसी और का नियंत्रण हो जाए उसके आर्थिक जो क्षेत्र थे जहां से अच्छी खासी आय आती थी वो अगर ब्रिटिश के पास चले जाए तो इसकी शक्ति तो ऑलमोस्ट खत्म है ना अब जैसे ये पोजीशन जी ये कंडीशन देखी तो उन्होंने क्या कहा कि पूरे पेशवा की वजह से पूरा जो मराठा शक्ति है ना वो कमजोर पड़ जाएगी ब्रिटिशर्स के सामने तो हमें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपनी संप्रभुता मतलब अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी सॉवरिटी के लिए हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना होगा और तब जो मराठा थे वो इनसे लड़ने के लिए आए और जब वो लड़ने के लिए आए तो उनमें कौन कौन आए सिंधिया होलकर और भोसले गायकवाड़ अभी शांत बैठे ठीक है कौन कौन आए सिंधिया और होलकर सॉरी यहां पे भोसले और होलकर तो एक बार तो होलकर के साथ लड़ाई हुई क्योंकि होलकर के अगेंस्ट में तो गए थे मदद लेने के लिए तो होलकर को हराया और फिर बाद में किसको हराया सिंधिया और भोसले को हराया और ऐसे में दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध था उस दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं के ये जो संघ थे चाहे वो पेशवा हो पेशवा के साथ संधि कर ली होलकर को हरा दिया भोसले को हरा दिया सिंधिया को हरा दिया तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा संघों पर अपनी शक्ति स्थापित की तो 1805 तक आते आते क्या हो गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंट्रोल थी जो सुप्रीमेसी थी वो मराठास के ऊपर स्टैब्लिश हो गई ठीक है अब 1805 के बाद से एक काफी लंबा पीरियड निकल गया लगभग 1817 में तीसरा युद्ध हुआ तीसरा युद्ध कब से लिखा है 1817 से 19 लिखा है ना तो मतलब 12 साल का गैप हुआ ये 12 साल ये वो 12 साल थे जब मराठाओं के ऊपर किसका कंट्रोल है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल है और ये जो महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी करने लगी और इन शक्तियों को कुछ नहीं समझती थी अब आप सोच के देखिए ये मराठा राज्य एक ऐसा राज्य था जिसमें ये संभावना थी कि वो अखिल भारतीय स्तर का पूरा एक साम्राज्य स्थापित कर सके अब उनको रियलाइज होने लगा कि हम अखिल भारतीय स्तर का साम्राज्य तो छोड़िए हम तो अपने राज्य को ही सुरक्षित नहीं रख पा रहे और इसकी वजह कहाँ है बाहरी वजह नहीं है इसकी वजह आंतरिक है क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हैं बिकॉज वी आर नॉट यूनाइटेड इसीलिए बाहर से जो शक्ति आई है उसने क्या कर दिया हम सबको अलग अलग करके सबको खत्म कर दिया का कि काम करते हैं एक आखिरी बार एक होने की कोशिश करते हैं और मिलके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़ेंगे तो ठीक है तब एक एकजुट हुए बड़ी मुश्किल से सलाह मशवरा किया चुपचाप चुपचाप सबने और उन्होंने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा खत्म है हम तो हमें एक बार प्रयास करना चाहिए ठीक है हा?

का अधिकार तो सबके पास होता है तो तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तीसरा युद्ध वो हुआ 1817 से 1819 में और इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑन दी अदर साइड दूसरी तरफ कौन कौन थे पेशवा सिंधिया होलकर भोसले से दूर थे उन्होंने कहा लड़ लो तुम ठीक है युद्ध हुआ दो वर्ष तक ये युद्ध चला ठीक है इन सभी पक्षों के साथ इन सारे पक्षों ने क्या कहा उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे सबकी सब सेना एक जगह इकट्ठी होकर एक जगह युद्ध करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने कहा नहीं जो सिंधिया में है वो सिंधिया के क्षेत्र में मतलब ग्वालियर में जो ब्रिटिश हैं उनके खिलाफ युद्ध करें जो होलकर हैं वो इंदौर वाले रीजन में होलकर के रीजन में जो ब्रिटिश हैं उनके खिलाफ युद्ध करें भोसले नागपुर क्षेत्र में करें और पेशवा पूना क्षेत्र में करें सब अपने अपनी, अपनी जगह एक साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट युद्ध कर दो अब वो एक साथ तो नहीं हुआ बीच उसमें कभी किसी ने युद्ध किया कभी किसी ने युद्ध किया तो सत्रह सो सत्रह अठारह से सु उन्नीस तक युद्ध हुए और परिणाम ये निकला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही मतलब ये परिणाम निकला इसका कि चारों ये जगह पे चारों को पराजित कर दिया यस, और उन्होंने कहा कि अब आप चारों के साथ इकट्ठे बैठ के संधि नहीं करेंगे अब चारों के साथ अलग अलग संधि तो जो तीन संधियां है वो बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें ठीक है पेशवा के साथ पूना की संधि हुई के साथ ग्वालियर की संधि हुई, और होलकर के साथ हुईसौर की संधि, ठीक है संधि हुई और इन संधि के द्वारा 1819 तक आते आते उन्होंने एक चीज और कह दी उन्होंने कहा अब से पेशवा का पद खत्म क्या डिक्लेयर हुआ पेशवा का पद भंग कर दिया गया और जैसे पेशवा का पद भंग मतलब मराठा शक्ति भंग तो यहां जो संधि हुई उस जो तीसरा जो युद्ध हुआ उस युद्ध का सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण जो परिणाम था वो ये था कि यहां से पेशवा का पद खत्म कर दिया गया और जो पेशवा थे उनको पेंशन दे के बिठा दिया गया अब आप पेशवा नहीं हैं अब आपको बस पेशवा की पेंशन मिल जाया करेगी अब आप रिटायर हो जाए निवृत्त कर दिया परमानेंट और उसके बाद अब कोई और पेशवा भी नहीं बनेगा पेशवा का पद ही खत्म और वहां पे पूरे तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया तो 1819 में मराठा शक्ति पूरे तरीके से खत्म हो और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन वहां पर लागू हो गया ठीक है इतना उदास क्यों हो रहे हो कोई बात नहीं अब देखो जो हुआ जो घटनाएं हो चुके हैं वो उसको कुछ नहीं कर सकते हैं उनके साथ भी संधि हो गई थी उनको पहले ही साइड में कर दिया उनको बोले कोई बात नहीं तुम भी अकेले अकेले रहने में सही लगता है तुम्हें ठीक है तो लिखो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा के साथ पूना की संधि सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि एवं होलकर के साथ मंदसौर की संधि की गई ठीक है अगला पॉइंट लिखिए पेशवा के पद को भंग कर दिया गया मंदसौर मंदसौर लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो पेशवा के पद को भंग कर दिया गया और उन्हें पेंशन दी जाने लगी अब स्टार मार्क करके लिखेगा मराठा राज्य जो कि एक अखिल भारतीय स्तर का मराठा राज्य जो कि एक अखिल भारतीय स्तर का साम्राज्य स्थापित साम्राज्य स्थापित करने की योग्यता रखता था वह आंतरिक समस्याओं धन के अभाव या ये लिखो आंतरिक समस्याओं कौमा वित्तीय साधनों की कमी कौमा तकनीकी पिछड़ापन एकजुटता की कमी पिछड़ापन एकजुटता की कमी के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पराजित हो गया इस पराजय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में भारत पर राजनीतिक शासन स्थापित करने का मौका दे दिया अवसर प्रदान कर दिया भारत पर राजनीतिक शासन स्थापित करने का अवसर दे दिया ठीक है ये आंग्ल मराठा युद्ध हुआ ठीक है अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो थोड़े स्पेस छोड़ देना और नेक्स्ट लिखो आंग्ल सिख युद्ध वैसे टाइम हो गया है है ना थोड़ा सा रेफरेंस दे देती सिख युद्ध यस बेटा कोई भी टॉपिक जब कंप्लीट होता है ना उसके बाद थोड़ा सा तीन चार लाइनों का थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ दीजिए कभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रिवीजन कर रहे हो कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कोई क्वेश्चन ही मैंने दे दिया आपको राइटिंग के लिए तो वो क्वेश्चन आप यहीं के यही लिख लो है ना तो जब रिविजन करोगे तो आपको समझ में आएगा ये मैंने टॉपिक कवर किया ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उस स्पेस को आप मल्टीपल यूज कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट लिखो आंग्ल सिख युद्ध ठीक है आंग्ल सिख युद्ध अच्छा आंग्ल मतलब ब्रिटिश और सिख जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो पंजाब राज्य था उन दोनों के बीच में युद्ध की बात तो पहले हम पंजाब राज्य की स्थिति समझ लेते हैं ठीक है पंजाब में किसका शासन था राजा रणजीत सिंह और कहते हैं कि जब तक महाराज रणजीत सिंह थे तब तक मतलब महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी ठीक है कैसे थे ये बहुत ही योग्य लिखते रहो योग्य शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी शासक थे महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है हा? जो क्या सोचे कि मेरी जो शक्ति है वो और भी ज्यादा विस्तृत हो जाए जिनकी इच्छाएं और भी ज्यादा जा, उपलब्धियों के लिए हमेशा बढ़ती रहे इच्छाएं बनती रहे कि और ज्यादा उपलब्धियां हासिल करनी है मुझे और ज्यादा क्षेत्र पर अधिकार कर लेना है और शक्तिशाली बनना है ठीक है तो महत्वाकांक्षी शासक थे ये अब जो महत्वाकांक्षी शासक होगा वो क्या करेगा अपने क्षेत्र का विस्तार करेगा ठीक है तो यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाते हैं इंडिया का समझ लो उसको ठीक है? ये वाला जो एरिया था ये पूरा आप समझ लीजिए किसके अंदर में एक मिनट हाँ एक मिनट रुकिए, ये वाला जो एरिया है यह था पंजाब के अंदर में ठीक है और लगातार जो राजा रणजीत सिंह थे ये अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे ठीक है क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे अब क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया नॉर्थ में इन्होंने पूरा जम्मू कश्मीर पूरा अपने अधीन कर लिया पूरे पर नियंत्रण कर लिया ठीक है दक्षिण में सिंध तक पहुंच गए ठीक है और ये पूर्व की तरफ बढ़ रहे थे पूर्व की तरफ बढ़ रहे थे मतलब इनके इनकी तरफ से पूर्व होगा तो कहाँ होगा दिल्ली की तरफ भारत के अंदर ठीक है अब इस क्षेत्र में किसका नियंत्रण था मेनली तो मुगल और दूसरा ब्रिटिशर्स ठीक है तो कहते हैं कि जब ये पूर्व की तरफ जब अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे थे तो पूर्व में विस्तार करने, करने को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चुनौती के रूप में लिया उनको डर लग गया उन्होंने सोचा कि अगर राजा रणजीत सिंह अगर पंजाब राज्य अगर भारत के आंतरिक क्षेत्रों में अगर वो आता है तो बाकी सारे क्षेत्र तो कोई बात नहीं लेकिन अगर दिल्ली आगरा तक अगर इन्होंने नियंत्रण कर लिया तो दिल्ली आगरा की गद्दी मुगलों की गद्दी अगर इस गद्दी के ऊपर अगर कोई और बैठ जाता है तो इस गद्दी को तो हिंदुस्तान के बादशाह की गद्दी समझा जाता है आप समझते हो कभी कभी किसी भी वस्तु के का जो अमाउंट होता है ना जो उसकी कीमत होती है उससे कहीं ज्यादा महत्व उसके प्रतीक का होता है तो दिल्ली आगरा का क्षेत्र मुगलों की शक्ति सीमा क्षेत्र के हिसाब से भले ही उतनी विस्तृत ना रह गई हो जो औरंगज़ेब के समय में थी लेकिन फिर भी प्रतीक के रूप में उस गद्दी को क्या माना जाता था ये हिंदुस्तान के बादशाह की गद्दी है तो एक बात बताइए जो दूसरा राज्य दिल्ली आगरा के आसपास क्षेत्र विस्तार करने की संभावना रखता हो जो शक्तिशाली हो महत्वकांक्षी भी हो अगर वो और मुगलों का दुश्मन भी हो और अगर वो मुगलों के क्षेत्र पर अधिकार कर ले तो हिंदुस्तान के बादशाह की गद्दी अगर किसी शक, दूसरी शक्ति के पास चली गई तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा प्रतीक रूप में वो अपने आप ही हिंदुस्तान का बादशाह बन जाएगा और ब्रिटिशर्स कह रहे ये तो बड़ी गलत बड़ी जाएगी तो अगर ये हो गया मराठाओं को भी क्यों कहा जाता था कि ये पूरे अखिल भारतीय स्तर पर साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने काफी हद तक मैसूर हैदराबाद इन क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया पूरा गुजरात मध्य प्रदेश बंगाल तक जीत लिया था दिल्ली पर भी इनका प्रभाव बन रहा था अगर दिल्ली की गद्दी इनके कंट्रोल में आ जाती तो अखिल भारतीय स्थापना हो ही जाती बनी जाते ना हिंदुस्तान के शासक बस वो मुगलों वाले वो गद्दी नहीं आई इनके पास वो सत्रह वाले युद्ध में पराजय वहां से सब पलट गया है ना उसके बाद कोई इतना नेतृत्व भी नहीं मिला मराठाओं को जैसे बालाजी बाजीराव थे समझ रहे हो अब उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर यहाँ आ जाए हम तो खुद सोच रहे हैं यहाँ पे राजनीतिक शक्ति स्थापना करने में या कोई ये कॉम्पिटिटर बच गया अब इसको कंट्रोल करना है तो उन्होंने सोचा कि महाराज रणजीत सिंह जो है ना इनके साथ युद्ध नहीं कर सकते हम युद्ध करेंगे तो अब वो वाली बात है ना कि जो बहुत महत्वकांक्षी चर्चे बहुत थे बहुत शक्तिशाली थे तो ब्रिटिशर्स ने सोचा इनके साथ युद्ध नहीं करना इनके साथ संधि करो इनके साथ संधि सही रहेगी उन्होंने कहा संधि कैसे की जाए तो उन्होंने कहा संधि इस तरीके से की जाए कि बातचीत से ये कह दिया जाए कि देखो हम दोनों के बीच में ना एक बाउंड्री एक सीमा निर्धारित कर लेते हैं ठीक है सीमा निर्धारित की और इन्होंने कहा कि इस एरिया से वेस्ट का हिस्सा पंजाब का इस बाउंड्री को आप क्रॉस मत करना ठीक है और इससे आगे हम नहीं आएंगे तो जो सतलज वाला जो क्षेत्र है सतलज नदी वाला जो क्षेत्र है ठीक है उस क्षेत्र को इन्होंने क्या कह दिया इन्होंने कहा कि काम करते हैं इसको बाउंड्री मान लेते हैं अब आप इससे आगे आप मत आना और यहां से आगे हम नहीं आएंगे 1809 में हुई ये संधि ठीक है 1809 में संधि इन्होंने कहा ठीक है नहीं आएंगे अब दोनों के लिए ही ये रिस्ट्रिक्टेड, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ट्रीटी थी कि ब्रिटिशर्स को भी अपना मन थोड़ा बनाना पड़ा कि हमें भी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अधिकार आप बताओ यहाँ तो पंजाब है तो ये जब संधि होगी तो ये क्या कहेंगे पंजाब वाले इसको क्रॉस करके यहां ना आए और जो ब्रिटिशर्स है वो यहां से पंजाब की तरफ नहीं जाएंगे भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में नहीं जाएंगे उन्होंने कहा कि हम पंजाब राज्य में कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे हम अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे ये संधि कर लेते हैं उन्होंने कहा स्वीकार ठीक है।, है आप हमारे क्षेत्र में मत आना हम आपके क्षेत्र में नहीं आएंगे ठीक है उसके बाद अभी थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में आपको बता रही हूँ उसके बाद अब ब्रिटिशर्स को डर था आप समझना ब्रिटिशर्स की रिक्वायरमेंट समझना उनको डर था कि नॉर्थ से यहां से दो शक्तियां हैं जो अपना प्रभाव बना रहे हैं एक है फ्रांस जो वैसे ही ब्रिटिश उपनिवेशों ठीक है का था और दूसरी जो शक्ति थी ठीक है वो रूस फ्रांस और रूस अब फ्रांस में एक व्यक्ति का नाम आता है और उसका नाम क्या है नेपोलियन और नेपोलियन कैसा था वो क्षेत्र विस्तार कर रहा था महत्वाकांक्षी अब ब्रिटिशर्स नेपोलियन से डर रहे थे उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर वाली साइड से कौन आ जाए नेपोलियन आ जाए तो उनको ये था कि हमने एक बार 1763 तक तो फ्रेंच को यहां से भगा दिया लेकिन अब जो फ्रेंच है ना ये एक नए दौर में है क्योंकि सत्रह में सेवनटीन फ्रांस की क्रांति हुई और 89 के बाद किसका राइज हुआ नेपोलियन का राइज हुआ क्रांतिपुत्र माना जाता है नेपोलियन को ठीक है क्रांति पुत्र के रूप में नेपोलियन सामने आया इतने महत्वाकांक्षी निकले उन्होंने कहा कि मैं मैं तो पूरा विश्व जीत लूंगा मैं आप जीतूंगा ज्यादा ज्यादा साम्राज्यवाद को बढ़ावा दूंगा मतलब ज्यादा ज्यादा क्षेत्र को अपने अधीन करूंगा तो ब्रिटिशर्स को ये डर था कहीं से उत्तर से ये लोग आके भारत जो कि ब्रिटिशर्स का सबसे ज्यादा कीमती उपनिवेश है कहीं इसको हथियान ना ले अब इसके लिए इन्होंने क्या करना शुरू किया इन्होंने सोचा कि यहां पे है अफगानिस्तान ये है पंजाब ये पंजाब है ये इधर सिंध वाला क्षेत्र है अब ब्रिटिशर सोचे कि हमने ये संधि कर ली अब इस संधि के बाद हम तो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे इधर अब क्या किया जाए अब ये, अगर ये लोग अफगानिस्तान एक ऐसा क्षेत्र पड़ रहा था कि अफगानिस्तान को क्रॉस कर दिया अगर ऊपर से से इधर तो भारतीय सीमाओं में प्रवेश कर जाएंगे। तो उनको ये था कि भारतीय सीमाओं के के बिल्कुल पास में अफगानिस्तान एक बफर जोन बन सकता है बफर जोन मतलब सुरक्षा के लिए एक ऐसा क्षेत्र बन सकता है यहां पे हम अपना किसी तरीके से कंट्रोल स्टेब्लिश कर लें अफगानिस्तान को और फिर ऊपर से आने वाली शक्तियों को उत्तर की साइड से आने वाली शक्तियों को अफगानिस्तान में ही रोक दिया जाए भारत की सीमा में प्रवेश ही ना करने दिया जाए तो अफगानिस्तान को एज अ बफर जोन वो यूज करना चाहते थे इसलिए इन्होंने सोचा कि अब इस क्षेत्र पर नियंत्रण होना जरूरी है अब इस क्षेत्र में ऐसे उड़ के तो जा नहीं सकते अब जाए कैसे तो उन्होंने कहा एक बार फिर चलो राजा रणजीत सिंह के पास 1838 में 1838 में दोबारा से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि एक त्रिपक्षीय संधि करते हैं क्या करते हैं एक? त्रिपक्षीय संधि करते हैं त्रिपक्षीय संधि मतलब सिंध पंजाब और ब्रिटिश और इन्होंने कहा पंजाब से कहा कि हो सकता है उत्तर की दिशा से अफगानिस्तान होते हुए कोई पंजाब क्षेत्र पर अटैक कर दे तो जब आपके ऊपर अटैक होगा तो हम उसे अवसर के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे आपके खिलाफ समझ रहे <laughs> कितनी अच्छी संधि उन्होंने कहा हम अवसर के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे ये नहीं सोचेंगे कि उधर से अटैक हो रहा है तो इधर से हम अटैक कर दें हम न्यूट्रल रहेंगे निष्पक्ष रहेंगे चुपचाप बैठे रहेंगे उन्होंने कहा ठीक है उन्होंने कहा अब जब हम अफगानिस्तान जाएं तब आप निष्पक्ष रहना चुपचाप बैठे रहना अब देखो ये तो संभावना थी कि उत्तर से कोई और इनके ऊपर आक्रमण करे उन्होंने कहा ठीक है अब परिस्थितियां वैसी ही बन रही थी उन्होंने तो कहा ठीक है तब त्रिपक्षीय संधि हुई और उस संधि में यह स्वीकार किया गया कि जब ब्रिटिश अपनी फौज को अफगानिस्तान भेजेंगे तो पंजाब राज्य उनको जाने का रास्ता देगा अब ये पहुंच गए अफगानिस्तान अब हुआ जो इन्होंने जो उम्मीद की थी वैसा हुआ नहीं अफगानिस्तान पहुंचे और अफगानिस्तान की जो ट्राइब्स थी जो अफगानी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकदम जोरदार स्वागत हुआ वहां पर भरपूर स्वागत किया गया और इतना स्वागत किया गया इतना स्वागत किया गया कि कहते हैं कि ब्रिटिशर्स की हजारों की फौज में से कुछ चंद लोग बच गए थे अफगानी ट्राइब्स ने जनजातियों ने बहुत बुरे तरीके से बहुत कट्टर तरीके से ब्रिटिश आर्मी को बर्बाद कर दिया और कहते हैं कि ब्रिटिश आर्मी को अपनी जान बचाने के लिए युद्ध छोड़ के वहां से भागना पड़ा कहते हैं आगे आगे ब्रिटिश आर्मी पीछे पीछे अफगान के जनजातीय लोग भागते भागते तो मारा गया बहुत बुरे तरीके से डर गए थे ब्रिटिशर्स की कहीं भी भेज दो युद्ध के लिए अफगानिस्तान मत भेजो लेकिन आप सोच के देखिए जो ब्रिटिश के ऊपर जो पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेन कमांडर्स थे उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए अफगानिस्तान तो चाहिए तो बार बार अफगानिस्तान पर उन्होंने अटैक किए बार बार प्रयास करते रहे कि अफगानिस्तान उनके नियंत्रण में आ जाए अफगानिस्तान को कोई भी पूरे तरीके से नियंत्रित कर ही नहीं पाया चाहे कितना भी प्रयास कर लिया बीच में कुछ दिनों के लिए शा... आ गए थे नियंत्रण में लेकिन रु... रुके नहीं वो रहे नहीं तो अफगानिस्तान को उपनिवेश के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाए ब्रिटिशर्स हालत खराब कर दी उनकी आखिरी में ब्रिटिशर्स ने कहा छोड़ो इनको <laughs> इनको छोड़ो ठीक <laughs> है तो अफगानिस्तान कुछ समय के लिए आया लेकिन उस तरीके से नियंत्रण में कभी नहीं रहा जैसे भारत या भारत के अलावा जो अन्य जो उपनिवेश थे उनके वैसे नहीं हो नहीं लेकिन भारत के एक महान शासक ने उसको उस क्षेत्र को अपने अधीन किया था कौन थे अशोक उनका शासन करने का तरीका ही अलग था इसलिए ठीक है जब जब पढ़ोगे एंश तब बताऊंगी ठीक है तो इस तरीके से ब्रिटिश और पंजाब के बीच में ये दो संधियां हुई उसके बाद जैसे महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई तो फिर उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ और उस उत्तराधिकार के युद्ध को ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब मौका है अब आंतरिक राजनीति में प्रवेश किया जाए और बहाने ढूंढे जाएं कि ये गलती कर दें एक बार बस और गलती ये हुई कि जो सिख सरदार थे उन्होंने इनकी बनाई हुई बाउंड्री को क्रॉस करके एक बार युद्ध कर दिया किसी एक जगह पे उन्होंने कर दिया और इसको ब्रिटिशर्स ने कहा आपने संधि तोड़ दी आपने संधि की शर्तें तोड़ दी और इसी बात के ऊपर युद्ध हुआ आंग्ल सिख युद्ध जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई उस युद्ध के बाद संधियां हुई और फिर सिख क्षेत्र मतलब प्रांत को पंजाब प्रांत को पूरे तरीके से क्या कर लिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दो बार युद्ध हुए मतलब ये समझ लीजिए कि दो युद्धों में पूरा जो पंजाब वाला जो क्षेत्र है वो पूरा ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया, ठीक है समझ में 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 आ गया? बाकी इसको डिटेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके आइएगा और ये जो मैंने हा? कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना चलो मैं पूछती हूँ जो आपने लिखा बसाइन की संधि और उसके लिए मैंने बार बार एक लाइन बोली कि बसाइन की संधि के लिए कहा जाता है कि इसने भारत की चाबी ब्रिटिशर्स को सौंप दी ठीक है इसके इसके के पक्ष में आपको आठ दस पॉइंट लिख कर लाने हैं ठीक है थीके? बहुत बार बोला भी नहीं बोलूंगी आठ दस पॉइंट लिखने हैं इस बात के पक्ष में कि बसाइन की संधि ने भारत की चाबी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी ठीक है अब ये जो 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 लाइन है, मैंने बोला है इस को ध्यान में रखकर कि ऐसा क्यों बसाइन की संधि में ऐसा क्या हुआ मराठाओं की हार से ऐसा क्या हुआ कि हमने कह दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पूरा भारत आ गया चाबी मिल गई उसे भारत की समझ गए तो अब देखते हैं आप कैसे क्या लिख के लाते हो चलिए ठीक है थैंक यू सो मच ऑनलाइन में भी थैंक यू सो मच बैठो दो मिनट मुझे तो निकलने दो